बहुत आराम से जाना पड़ेगा यहाँ से। हल्का सा पेशेंस लूज़ किया और काम, जहाँ शांति वहाँ उन्नति, सत्य वचन एग्जाम्पल देख रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का। यार मेरे माइंड में आ रहा था, जब हजारों साल पहले किसने इस हिल टॉप बढ़िया लोकेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होगा, कैसे किया होगा? क्या लगता है आपको? बाइक पे? नहीं। अपनी जीप पे? बिल्कुल भी नहीं। घोड़ों पर? हो सकता है, बट चांसेस कम है। या फिर पैदल चल के। सो वॉक इफ यू रियली वॉन्ट टू डिस्कवर न्यू लोकेशंस। हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी मैं हूँ उत्तराखंड के जंगलों में, उत्तराखंड की बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो पॉइंट, वहाँ पर हूँ मैं। यहाँ मैं कैसे पहुँचा उसके लिए आपको ना लास्ट के दो व्लॉग देखने पड़ेंगे। मेरी उत्तराखंड की एक शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट राइड चल रही है अपनी ऑल न्यूज़ ट्रेवलर एक्स के साथ में। लास्ट व्लॉग में मैं यहाँ पहुँचा था, कैसे पहुँचा, कितना ऑफ रोडिंग वाला रास्ता था और कितनी मैंने ट्रैकिंग की है वो आपको लास्ट व्लॉग में मालूम चल जाएगा। और लास्ट व्लॉग मैंने यही खत्म किया था, ड्रोन शॉट्स आपने देख लिए होंगे। बस अभी चलते हैं यहाँ से, भूख लगी बहुत तेज। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ तक बाइक्स अलाउड है, बाइक्स या कार्स अलाउड है। बस वहाँ पर कुमाऊं मंडल का एक वो है, होटल है और रेस्टोरेंट भी है, वहाँ कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। हाँ, अपना बैग भी होम से भी पड़ा हुआ है, उठाना है वहाँ से। ट्रैकिंग इज़ ऑलवेज फन, और ना ये डायलॉग तभी निकलता है जब वो ट्रैक जो है ख़त्म होने वाला होता है। अब मैं ये रास्ता आपको पूरा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में इस रास्ते को अच्छे से कवर कर चुका हूँ, बाइक वाला भी और ट्रैक वाला भी। थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। ट्रैक ये छोटा सा है, ईजी ट्रैक है, आप आ सकते हो फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, कोई इशू नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स यहाँ आ रखे हैं, मतलब ओल्ड एज में भी लोग आ रखे हैं यहाँ पर, मतलब 50 वाले 50 60 वाले भी आ रखे हैं यहाँ। ये है ट्रैक की एंट्री यहाँ से, और ये खड़ी अपनी बाइक। बट उससे पहले कुछ पेट पूजा। ये है कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस, होटल, कुछ भी बोल लो, और यहाँ चलते हैं कुछ खाते हैं। हेलो जी, यहाँ का रेस्टोरेंट जो है बंद हो चुका है, बस अब निकलते हैं यहाँ से, बीच में देखते हैं कुछ मिलेगा खाने के लिए। तो चलो जी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आज। 2 पराठे कहाँ घुस गए पता ही नहीं चला। चलो जी रॉक एंड रोल। ये देखो ऐसा रास्ता है, दिस इज द ऑफ रोडिंग स्ट्रेच। बहुत आराम से जाना पड़ेगा यहाँ से। हल्का सा पेशेंस लूज किया और काम हो जाएगा। एकदम स्टीप है यार इंक्लाइंड, डिक्लाइन और इंक्लाइंड भी। जस्ट देखो सामने नजारे, भाई तितली कहाँ घुस गई। वैसे तो मैंने बता दिया था लास्ट व्लॉग में आपको कि यहाँ की एंट्री जो है 200 रुपीज़ है, व्हीकल की कोई एंट्री के चार्जेस नहीं है, मतलब मेरी बाइक की कुछ एंट्री के सेपरेट चार्जेस नहीं लिए, कार का आई डोंट नो। लास्ट व्लॉग में आई थिंक वो बोर्ड मैंने कवर किया था, तो आप चेक कर लेना। जिन लोगों को लग रहा होगा ना कि ब्रेकिंग कम है इसकी, और ऐसे स्ट्रेच पे बहुत सही ब्रेकिंग काम कर रही है, मतलब ज़्यादा ब्रेकिंग होगी ना डाउनहिल में, खासकर फ्रंट की ब्रेक लगा दी आपने तो सीधा गिरोगे। इस स्ट्रेच के लिए ब्रेकिंग कम ही चाहिए भाई, और बहुत बड़ी परफॉर्म कर रही है बाइक, नो कंप्लेंट्स। ग्रेवल्स भी हैं, रास्ता भी ख़राब है, स्टीप डिक्लाइन भी है, ये देखो।
यहाँ आने के लिए थोड़े से आपको राइडिंग स्किल्स होने चाहिए ठीक ठाक से, प्रो लेवल के नहीं लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो होने चाहिए। खाली एस्टेट बिंसर माउंटेन रिजॉर्ट, नंबर लिखे हुए हैं 9465 9456566685। तो यहाँ रिजॉर्ट भी है प्राइवेट, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी भी है मेन तो ये, और सीजन टाइम अभी नहीं है ऑफकोर्स। सेंचुरी के बाहर आते ही ना नॉर्मल एरिया नहीं है ये भी, जोड़े जंगल ही है, और यहाँ जिससे बात करो तो हर कोई बताता है कि यहाँ लेपर्ड तो मिल ही जाता है शाम को, गर्मी में बाहर नहीं निकलता, सर्दी होते ही बाहर निकल जाता है। टाइम हो गया 2:10 और जस्ट 15 लगेंगे मुझे पहुँचने में, जहाँ मैंने स्टे किया है वहाँ फटाफट से खाना खाएंगे और 3:15 तक एकदम दुड़के लगा लेंगे, निकल लेंगे वहाँ से। यार काफ़ी लेट हो गया है, साला GPS भी इतना बेवकूफ़ बनाता है ना कई बार, कंफ्यूज हो जाता है, दिखा रहा होगा लेफ्ट जाना होगा राइट, और आप अपनी बुद्धि लगाओगे आप राइट जाओगे और बाद में दिखा देगा हाँ आप ठीक चल रहे हो। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांट बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस। लो जी आ गया अपना क्विक लंच, मैगी बटर के साथ में और चाय। एक कांड हो गया है, ये नंबर प्लेट जो है ये देखो ये टूट गई है यहाँ से, ये देखो एक पिन टूट गया है, मैंने इसका सपोर्ट किया हुआ था इसको कैमरा को इसके ऊपर ना, तो आई थिंक दबा झटके से आई डोंट नो क्या हुआ और कांड हो गया इसका। अब ये निकलना जाए घर तक के लिए तो कोई टाई वाई तो है नहीं मेरे पास इस टाइम, जस्ट मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, आई थिंक गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि एक जो है बोल्ट लगा हुआ है पूरा, नंबर छुपना भी नहीं चाहिए भैया, छुप भी नहीं रहा, DL9S पूरा दिख रहा है। ठीक है जी चलते हैं अब। देखो वैसे ही रास्ता है, अगर डालोगे GPS पे यहाँ से तो दिखाएगा थ्रू नैनीताल और बाजपुर होते हुए, बट मैं जो लूँगा थोड़ा डिफरेंट रूट लूँगा फ्रॉम रानीखेत, यार सेम रास्ते से ना जाने का मूड है नहीं। टाइम हो गया 1 घंटा 1.25 घंटे का रास्ता यहाँ से रानीखेत का है एटलीस्ट, उससे पहले काम करवाना है एक इम्पोर्टेंट, पेट्रोल भरवाना है भैया और चेक करनी है माइलेज कितनी है। राइडिंग जैकेट पहन के ना, राइडिंग गियर्स पहन के एक अलग ही बन जाता है कॉन्फिडेंस बाइक राइड करने का, छोटा मोटा स्किड करने का डर लगता नहीं है, और मैं यूज्ड टू हो गया हूँ ना राइडिंग गियर्स के साथ चलाने का, खासकर ऐसे ट्रिप पे तो बिना उसकी चलती भी नहीं है बाइक। ये रास्ता मैंने कल रात को कवर किया था, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, बहुत ही प्यारा सीनिक रास्ता है वो, देखो सामने माउंटेन रेंज, त्रिशूल पीक, नंदा देवी पीक, पिंडारी ग्लेशियर सब दिखते हैं यहाँ से, जहाँ शांति वहाँ उन्नति, सत्य वचन एग्जाम्पल देख रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का। पहाड़ों ट्रिप में ड्राइविंग सीखना भी एक अपने आप में अलग चैलेंज है भाई, ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है इनके पीछे होता है सनसेट, वो सनसेट ये व्यू वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू मैंने मतलब जो देखे हैं लाइफ में अपनी, अमेजिंग एकदम, मतलब ऑरेंज टाइप जैसे लाइट जल रही हो पहाड़ों के बीच में ऐसा लगता है, और सामने दिख रहा है अल्मोड़ा टाउन दूर। इस सेटअप को ठीक करना पड़ेगा यार, ये बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे। फिलहाल के लिए इसको जो एक्सटेंशन रॉड है उसको निकाल देते हैं, तो अब ये सेटअप लग गया है, आप देख लो यहाँ से कहाँ लगा हुआ कैमरा और कैसे लगा हुआ है, और अब आप इस कैमरे से देख लो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ऐसे है कि हम बात कर पा रहे हैं। मैन अमेजिंग प्लेस, आई एम इन लव विद अल्मोड़ा, मज़ा आ गया यार, आई थिंक यही ठीक है यार सेटअप अपना।
दिस इज लुकिंग बेटर, क्या बोलते हो? कमेंट्स करना, बताना कैसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर मैगी पॉइंट्स बड़े बने हुए हैं सनसेट के लिए, आई थिंक ना, तो काफी लोग आते हैं सनसेट के लिए। आई होप आई एम ऑन ठीक रूट, मैं ठीक रूट पे हूँ। हाँ ठीक रूट पे हूँ भाई मैं। अल्मोड़ा से आई थिंक बाईपास से निकल रहा हूँ मैं आई सपोज। ये देखो शांति नहीं है। अरे भैया कहाँ फंस गए जाम में, पहाड़ों पे जाम, जस्ट बिकॉज ये गाड़ी खड़ी हुई है गलत। ओह मैन क्या लगती हैं यार ये पीक्स, सामने देखो जबरदस्त। मन करता है इनको देखते रहो, घर ले जाओ उनको। मन तो यही करता है, रूम से बाहर निकले और ये दिखे। ये रूट पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ये रास्ता जा रहा है अल्मोड़ा से डायरेक्टली रानीखेत। अरे लो पेट्रोल सस्ता यहाँ दिल्ली से, 95.56, क्या बात है यार। फुल करना कितना हो गया, 847, 8.87, 212 डिवाइडेड बाय 8.87, 24 की माइलेज आई है, बहुत वाहियत माइलेज आ रही है अभी। ये बहुत बेकार चीज़ है यार 24 की माइलेज, ऑल दो बहुत ज़्यादा मतलब खराब रास्ते पर राइड की है, लेकिन तब भी यार दिस इज वेरी लेस माइलेज मरवाएगी इस बाइक को लग रहा है मुझे। बाइक तो ठीक है, ये बहुत ही ऑफ बीट रूट है और बहुत ही सीनिक रूट है, बट काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। मतलब कि काफ़ी डिफरेंट टाइप का लग रहा है मुझे यार ये रूट ना, स्मूथ रोड है, खाली रोड है, चौड़ी रोड है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, चौड़ी भी हो स्मूथ भी हो खाली भी हो एक साथ नहीं होता। हाईवे होता है तो थोड़ा क्राउडेड होता है, बट ये रूट अच्छा है। डिफरेंट नज़ारे हैं यार, आगे भी जंगल वाइब्स, पीछे भी जंगल वाइब्स, जबरदस्त। ये सूरज पड़ती नहीं आंखों में शाम के टाइम पे, ये बहुत दिक्कत करता है। ओपन एयर थिएटर कैफे ऊपर है कुछ, कतई जंगल में निकल रहे हम, बढ़िया एकदम राचिक फॉरेस्ट वाइब्स। ऐसी वाइब्स वहाँ भी आती हैं चौपटा में ना, यहाँ ड्रोन शॉट ले सकते हैं एक बढ़िया जाते जाते, क्या बोलते हो ले ले, थोड़ी आगे चल के लेते हैं। शॉट ले लिए हैं मैं और लेट हो गया हूँ। बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है पहाड़ों पे ना, मज़ा आ रहा है राइड करने का। दो पॉइंट मैंने बोल ही दिए हैं, रेस कर ही दिए हैं, एक तो माइलेज और एक जो उस पर वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी 90-100 के आसपास फुट पैक पे भी। स्टिल मैं होल्ड करूँगा इसको, इस इशू को, और देखते हैं आफ्टर फर्स्ट सर्विस कैसा रहता है रिस्पॉन्स, बात करेंगे वर्कशॉप में क्या बोलते हैं वो। और अगर आपने भी ली हुई है स्कैम्बलर एक्स और आपको भी सेम इशू आ रहा है, मतलब माइलेज कम मिल रही है और वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही है, तो यार बताना कमेंट करके, एटलीस्ट मालूम चले लोगों को कि
प्रॉब्लम एक्चुअल में है या पर्टिकुलर मेरी बाइक में लग रही है या फिर फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है इसलिए ये दिक्कत आ रही है अभी। इन दोनों चीज़ों के अलावा ना, इन दोनों इशू के अलावा, मतलब वाइब्रेशन भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब अभी जस्ट न्यू इंजन है, माइलेज का मुझे लग रहा है कि माइलेज मेरी स्पीड में फर्स्ट सर्विस से पहले ही अच्छी आई थी। एनीवे, सन इज अबाउट टू सेट, रोड एकदम मतलब हर किसी ना जस्ट जैसे जिगजैग का मन करता है ना राइड करने का रोड पे, मतलब हाईवे पे, ये रोड या सी है लाइक ऐसी चल रही है, काइंड ऑफ प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है। फीलिंग क्या आ रही है, फॉरेस्ट ही भाई है। ये देखो पेड़ गिरा हुआ, कैसे पुल बन गया, ऐसे वी था रोड, बीच में पुल बन गया। उस तरफ से कहीं से सूरज की रोशनी पड़ रही है पहाड़ों पे, इस तरफ वाली ब्लैक है, शेडो है, इस तरफ से चमक रहे हैं और सन काफ़ी नीचे है, पूरे ऑरेंज लग रहे हैं, ऑसम व्यूज लग रहा है, बहुत ही प्यारी लोकेशन लग रही है ये। बस अब नहीं रुकना, इनफ, नो मीन्स नो, डिवाइन डिवाइन व्यू है, डिवाइन। मैं जितने इस तरफ जा रहा हूँ ये व्यूज अच्छे होते जा रहे हैं, ना देखूंगा ही नहीं, मैं देख ही नहीं रहा मैं। चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सीनिक रूट, अल्मोड़ा से कभी जा रहे हो दिल्ली तो रानी कैसे होके आना भाई, लंबा रास्ता है, अभी आगे बताऊंगा रास्ता कैसे है, बट अंधेरा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है अगर मैं रानी से डायरेक्टली गया जिम कॉबिट होते हुए। और इवनिंग व्यूज तो यह अमेजिंग है। कुछ लोगों को यार पहाड़ों में ना इवनिंग में राइड करने में परहेज होता है, ठीक है यार, मतलब हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, बट मुझे लगता है कि जो आपको बेस्ट व्यू मिलते हैं ना आपको पहाड़ों में, वो या मिलते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में, तो दोनों ही टाइम आपको मिस नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी ठीक है यार, कुछ लोग अलग सोचते हैं तो वो भी ठीक है अपनी जगह पर, हम भी ठीक है अपनी जगह पर। यहाँ की ठंड अलग ही लग रही है इस टाइम ना, और मतलब बहुत ही अलग लग रही है। ये देखो कितना प्यारा रूट है यार, ऐसा रूट रेयरली मिलते हैं, नीचे हल्की सी मुझे नदी होगी, छोटी सी कोई रिवर स्ट्रीम होगी, नदी की ट्रिब्यूटरी होगी कोई जो बहती होगी, ऐसा लग रहा है मुझे नीचे, आई डोंट नो। उस तरफ जो है कुछ बने हुए हैं, कॉटेज वॉटेज कुछ है, कुछ गाँव वाँव। हम पहुंच गए हैं मजखली, मजखली कुछ फेस्टिवल है आज आई सपोज। ओ देखो राम जी, क्या है यार मुझे पता ही नहीं है, दशहरा आज है क्या? कुछ दशहरा था यार आज मुझे लग रहा है यहाँ पर। आज पहाड़ों पे ना नॉर्मली इतना क्लियर स्काई मिलता नहीं है, और ये आई थिंक नवंबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर में काइंड ऑफ थोड़ा क्लियर होता है, और दूर दूर तक जो है हिल्स दिख रही हैं, और सनसेट तो ऐसा हो जाता है ना कि भाई साहब पागल ही कर दिया आपको। मजखली पहुँच गया हूँ, मजखली में ये सारे रिजॉर्ट्स हैं, जो लोग रानीखेत में आते हैं तो मोस्टली मतलब रिजॉर्ट जो हैं रानीखेत वाले वो मतलब मजखली में ही हैं, रानीखेत से 10-12 किलोमीटर आगे है, और व्यूज़ को देख ही रहे हो आप कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, जालिम अंधेरा बढ़ता हुआ, अंधेरा कायम रहे। हम पहुँच गए हैं रानीखेत के गोल्फ कोर्स, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है ये आर्मी का। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है भैया रूट कौन सा लेना है यहाँ से, भैया लगता है हल्द्वानी जाना ही पड़ेगा। वही दिखा रहा है जीपीएस बार बार, और कोई रास्ता दिखाई नहीं रहा, बेवकूफ़ी कर दी है ये रूट लेकर रानीखेत वाला है या नहीं करिए पता नहीं है मुझे। ये गलती मत करना भैया इस रूट लेने की, रानीखेत वाला अल्मोड़ा से रानीखेत वाला रूट लेने की गलती मत करना, क्योंकि रूट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
जस्ट कि इतना सीनिक है कि चल ही नहीं पा रहा था मैं यार। कितनी बार रुका हूँ मैं, कम से कम 5-6 बार रुका हूँ मैं, क्योंकि अगर आओगे इस रूट पे तो बार बार रुकना पड़ेगा। चलो जो भी है अब तो चलते हैं, ऑलरेडी थकावट होना शुरू हो गई है, सुबह से भागे हुए हैं हम। सुबह उठा था मैं 6:30 बजे और इस टाइम बज गए हैं शाम के 5:45, ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं मुझे जागे हुए और अभी भी 9 घंटे का रास्ता और है दिल्ली का। लॉन्ग डे होने वाला है आज, लॉन्ग डे, रियली लॉन्ग डे। अगेन रफ स्ट्रेच बट नो इश्यूज। नाइट में आई डोंट नो कितना दिख रहा है बट एफर्टलेस। ठंड लग रही है यार, विंटर लाइनर तो पहना हुआ है बट एक रेन लाइनर पहनना पड़ेगा क्योंकि मैं जो मैश वाली जैकेट पहन के आया हूँ ना इस बार। हवा पूरी क्रॉस हो रही है और ठंड लग रही है, बॉडी ना हल्की हल्की सी पेन हो रही है। हो गया आधा घंटा मुझे झेलते झेलते, अब वहीं चाय पीते हैं। अभी आई एम क्रॉसिंग फेमस कैंची धाम आश्रम और यहाँ पर काफ़ी रौनक है भाई, ऑफकोर्स ऑब्वियस रीजंस। 3 बजे मैगी ब्रेक लिया था, मतलब मैगी लंच किया था, उसके बाद से अब जाके ब्रेक लिया है, मतलब नैनीताल का जो कट है ना वो छोड़ दिया है। अब मैं आ गया हूँ टूवर्ड्स हल्द्वानी आ गया हूँ। 7 बज गए हैं 7 बजे, मतलब 4 घंटे बाद पहला ब्रेक लिया है। बहुत देर से मतलब मैं 1 घंटे से सोच रहा था ब्रेक लेना है, चाय पीनी है, पढ़ाई थॉट की थोड़ा ना हाइट कम हो जाए, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाए क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है। अभी भी यहाँ से 7 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है, 7 घंटे दैट मीन्स 2:15 बजे पहुँचूँगा मैं रात को, अगर मैं और फर्दर ब्रेक नहीं लूँगा तो। लेट्स सी, देखते हैं कब पहुँचूँगा। तो जगह कौन सी है? गिड़िया। गेठिया। एक के बाद एक और चाय। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड। टाइम हो गया है 7:49, 7 घंटे का रास्ता और है, 2:45 बजे पहुंचूंगा मैं, मॉर्निंग हो जाएगी। ठंड बढ़ गई है, पैक कर लिया खुद को पूरा, ग्रीन बाइक और ये ग्रीन पहन लिया मैंने। फाइनली हल्द्वानी, टाइम इज 8:32। बड़ी सही फीलिंग आती है ये देख के ना, मेले जो झूले लगे होते हैं ना ये टेम्प्रेरी वाले, दिल्ली में तो देखने को मिलते नहीं है नॉर्मली आजकल। चलो जी पेट्रोल भरवाते हैं और एक और झटके का सामना करते हैं कि माइलेज कितनी आई है। बस पूरा ही आ गया ऊपर तक 7.22, 203 डिवाइडेड बाय 7.22, 28 की आई है माइलेज इस बार। चलो जी 28 इज फाइन, 26 से तो बेटर ही है बट माइलेज कम है, ये तो काइंड ऑफ थोड़ा सा श्योर हो गया है। ट्रिप 1 करते हैं 0, ट्रिप 2 अपना दिखा रहा है 666, टोटल 212 और चलेगी तो क्लोज टू 900 किलोमीटर जो है बाइक चल जाएगी अपने इस ट्रिप पे। अच्छी लग रही है यार ये तिरंगे के कलर की लाइट्स। ये खड़ी अपनी स्क्रैम्बलर एक्स, पता नहीं इतनी मिट्टी क्यों थी समझ नहीं आ रहा मुझे यार, मतलब ना हल्द्वानी से लेकर रामपुर तक भयंकर मिट्टी थी, हर जगह मिट्टी घुस गई है, बैग में भी, इस पे भी और मेरे अंदर भी। और फाइनली ब्रेक ले लिया है डिनर के लिए, टाइम हो गया है 12:10, देखा जाए ना 3 बजे मैं निकला हूँ वहाँ से अल्मोड़ा से आगे से जहाँ स्टे किया था और उसके बाद में बस एक चाय ब्रेक लिया था, उसके बाद बस मैं खींच के नॉन स्टॉप आ ही रहा हूँ, छोटे मोटे हॉल्ट ले रहा हूँ पर ब्रेक लिया नहीं है। बट अपना बॉडी ऐसी हो रही थी ना बस एकदम ना, मतलब थकावट बॉडी में तो चढ़ रही थी, मतलब बॉडी में, हाथों में, लेग्स में, तो मैंने कहा ब्रेक लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे माइंड में था कि बस घर पहुँचते हैं
घर पहुँच के कुछ खा लेंगे और सो जाएंगे, बट ब्रेक इज नीडेड। बहुत ज़्यादा ना मतलब बॉडी को पुश करना भी सही नहीं है। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 2.25 घंटे का रास्ता और है, 150 किलोमीटर है, तो बस फटाफट से करते हैं, एक परोठा खाते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं। तड़का ढाबा ठीक ठाक सा लग रहा था मुझे, और लोग भी हैं तो मैंने कहा यही खाते हैं, यही खाना खाते हैं। ये आ गया अपना डिनर, परोठा मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, बहुत बढ़िया है। चटनी, अचार, कुल्लड़ वाली चाय, चाय ज़रूरी है यार हाईवे पे। चलो जी, बहुत लंबा डिनर हो गया, 12:30 हो गया, 1:45। लेट्स गो रॉक एंड रोल। लास्ट स्टॉपेज इस ट्रिप का, छोटे से ट्रिप का, ओस पढ़नी स्टार्ट हो गई है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड दिल्ली। अपनी बाइक चल चुकी है इस ट्रिप में 868 किलोमीटर। अभी मेरा घर जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर दूर है, तो 888 किलोमीटर हो जाएंगे इस ट्रिप में। टोटल अपनी बाइक चल चुकी है 1205, तो अपनी फर्स्ट सर्विस ड्यू हो गई है। जैसा भी रहेगा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। ट्रिप यार देखो बहुत बड़ा नहीं रहा, छोटी सी राइड रही, लेकिन मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, आया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तो ठीक है यार, फिर टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।